भाई हमें लाहौर भेजा गया था, नहीं बल्कि भेजा नहीं गया था, मैं खुद आया था अपने काम करने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आई एम बैक। बेसिकली आया मैं अपने काम के लिए था, सिंगिंग वगैरह के लिए, लेकिन एज यू नो अगर आपके साथ पेरेंट्स भी गए हुए हों उस शहर पर, जैसे कि मेरी मदर गई हुई थी, तो वापसी पे आपके सामान के साथ उनका सामान भी होता है, तो उन्होंने अपने सामान के साथ मेरी बहन का सामान जो एक्स्ट्रा था वो भेज दिया मेरे साथ। मेरे कुल सिर्फ टोटल 4 ड्रेस थे, जिनके साथ मेरी कुछ 6 बुक्स थी, बुक्स आके मैंने रखनी थी, रख दी, और जो उनके ड्रेसेस का ही बस रश था, तो मेरे को अपने बताया ना सिर्फ 4 थे, तो उनका काम तो मैंने कर दिया। ठीक, अब मैं आपको सारा लाहौर का टूर ना सिर्फ एक वीडियो बताता हूँ, क्या हुआ क्या आखिर। इस दिन मेरे हुए पेपर ख़त्म, मैं अपने पूरे के पूरे 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 लिया वाले ख़ानदान से मिलके इस दिन सुबह 11 o'clock लाहौर के लिए रवाना हो गया, और लाहौर मैं पहुंचा इसी ही दिन 4 o'clock, और 5 o'clock मैं अपने घर पहुंचा। ठीक है, 5 o'clock अपने घर पहुंचा, 5 o'clock घर पहुंच के मैं इसी ही दिन अफ्तारी की अपने फादर के साथ, फादर के, क्योंकि फादर मेरे सिर्फ लाहौर में है और अभी इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि वो भी आएंगे इस दिन लिया या इस दिन, खैर वापस चलो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर। तो इस दिन मैं अपनी फूफा के घर गया, जहाँ पर हमारे जाने माने ब्लॉगर भाई सलार सिंधु साहब रहते हैं। अच्छा, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, उन्होंने कुछ सरप्राइजेज लिए हुए थे मेरे लिए, जो कि मैं अभी आउट नहीं करना चाहता, शायद आप लोगों के लिए भी अपनी वीडियो में उनका सरप्राइज़ हो। तो उन्होंने वो मुझे बताई, और उनके साथ मैं कुछ और सरप्राइजेज आप लोगों के लिए लेने गया, तो वो काम कर करा के हम वापस अपने घर आ गए। इस दिन 22 को मैं गया एवेंजर्स एंड गेम देखने। आई नो मैं लेट हूँ, लेकिन क्या करूँ, जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन से सारे डेज मेरे एग्जाम्स में थे। इस दिन मैं फ्री हुआ, मैं एवेंजर एंड गेम देख ली, एंड लिटरली आई क्राइड 5 times इन द होल मूवी, 5 times, वो भी आंसुओं वाला। वो मैं आपको बताता हूँ कब। पहले आप ये देखो तो सही, पहले फिर पता तो चले कि एवेंजर्स के बाद मेरे साथ हुआ क्या। ये देख रहे हो, ट्रिब्यूट टू टोनी स्टार्क। अब बारी आती है, बताऊँ आप लोगों को मैं रोया कब। 5 जो बारियाँ थी, फर्स्ट डेथ ऑफ ब्लैक विडो, सेकंड थॉर मीट्स हिज मदर, थर्ड टोनी स्टार्क मीट्स हिज फादर, और ये फोर्थ कैप्टन अमेरिका मीट्स हिज लव ऑफ लाइफ। बट एक किस्म का मीट नहीं, या मीट हो भी सकता है, क्योंकि उसने कहा था फैल्कन से कि एंड पर स्पॉइलर अलर्ट कि आई लिव्ड अ लाइफ दैट टोनी स्टार्क वांटेड मी टू लिव, एंड बहुत मज़ा आया वो जिंदगी गुजार के, कि हम बूढ़ा होके वापस आया। सिक्स्थ डेथ ऑफ टोनी स्टार्क। कहाँ थे, अच्छा भाई हम कहाँ थे, ये यहाँ पर हमने देख ली मूवी, हम आ गए वापस आए घर से। तो मैं गया अपना शुष्का मोबाइल लेने, भैया हाँ जी हमने मोबाइल ले लिया, मोबाइल भी बड़ा कमाल है, वो उसकी अलहदा वीडियो बना दूंगा आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, मोबाइल लिया अपने फादर के साथ, उनके मोबाइल लेके आया, अपनी फूफा के घर गया दोबारा मिलने, तो उनसे मिला, दोबारा वापस आ गया मैं घर। फिर आए 23rd को मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर बैठा रहा, बस आया ये बेड वगैरह करवाई 23rd को, जो आप लोगों ने देख लिया आयरन मैन वाली ट्रिब्यूट टू टोनी स्टार्क, 23rd को बस ये मैंने काम किया, और जो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करनी थी वो की। हाँ 21st को मैंने रिकॉर्डिंग की थी, नहीं सॉरी 21st को नहीं, 22 23rd को मैंने 2 सॉन्ग्स गा लिए। आज है जब मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग, 24th को मैंने जाना है अफ्तारी पे। हाँ भाई अफ्तारी पे गया था, पता था आप लोग को, सबको बता के गया था, आज यही हुआ था अफ्तारी, नहीं बल्कि बता के नहीं गया था, मैंने कहा था देखते हैं आज क्या होता है, आज ये हुआ कि मेरी अफ्तारी हुई। तो सीन ये हुआ कि वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर फीमेल्स थी तो वगैरह वगैरह ऐसा इशू हुआ कि तो उन्होंने मतलब इजाज़त नहीं दी, वैसे भी इफ्तारी का टाइम था तो मुनासिब नहीं समझा हमने, और जैसे ही रोज़ा खुला तो सारे टूट पड़े, और बाद में मुझे याद आया ओहो मैं तो सिनेमैटिक्स बनाने थे, तो मैंने कुछ शॉर्ट में पिक्चर्स ले ली थी जो कि ये हैं। सॉरी, तो अगर आप लोगों का रोज़ा और आप लोग ये वीडियो देख रहे थे तो, और अगर ये इफ्तारी के बाद व्लॉग मेरा कोई देख रहा है तो
आया ना मुँह पानी ऐसी अफ्ताहियाँ करो बच्चू। तो आज का दिन मेरा यहाँ पर अभी ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो काम थे आज के दिन के वो यहाँ पर हो गए ख़त्म। हेलो हेलो इसलिए बोल रहा हूँ, है वही ब्लॉग, क्योंकि दिन नया है, दिन नया इसलिए है क्योंकि मैंने कल रात बोल दिया था आप लोगों को मेरा दिन ख़त्म हो गया, तो वहाँ दिन ख़त्म हो गया था वाकई, लाइट चली गई थी, फिर बारिश होने लग गई थी, बहुत उधम हुआ था। तो कल रात को मैंने किया क्या, मैंने दो सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, बल्कि नहीं एक किया था कल रात को, एक अब अभी सुबह उठ के किया मैंने, तो मैं काफ़ी देर बाद आप लोगों से बात करूँ। लाइक अब क्या टाइम हो रहा है, 2 o'clock होने वाले हैं, मतलब दोपहर का टाइम होने वाला, तो मैं थोड़ा सा अनटाइडी हुआ हूँ, तो अभी मैं नहाऊँगा, फिर मैं अपना उलिया सुलिया सही करूँगा, मेरे उलिया से लग रहा होगा सोई भी शक्ल। खैर 6 songs हो गए हैं मेरे पास, मतलब जिनकी वीडियो बनाने वाली है, तो आई एम फीलिंग वेरी यू नो एक्साइटेड कि वीडियो कैसी बनेगी, मतलब जिस तरह मैं चाह रहा हूँ लग रहा है वैसी बन जाए, बहुत मज़ा आएगा फिर। अच्छा 6 videos ये हैं, एक ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये होगा आप लोगों के लिए, और एक सीक्रेट वो नहीं हम बताने वाले ना, गलत बात। खैर अब जो दिन हमारा इस तरह गुजरेगा कि पहले तो मैं अपनी भी चीज़ें ज़रा समेटूंगा, ये देखेंगे मेरे चार्ट को क्या हुआ, लाहौर में कुछ दिन नहीं था और ये हालत होगी कमरे की। खैर अब मैं इसको उतारूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले शायद बल्कि होगी, मैं अब इसकी जगह क्या करूँगा, यहाँ मैं उतार के इसको लगाऊंगा अपना, मतलब एक सोच रहा हूँ मैं ग्रीन शीट ही ले लूँ वही लगा दूँ, तब फिर उसे दीवार ख़राब नहीं होगी, वॉल जो है वो साफ रहेगा, मतलब देखो ना पहले निशान पड़ गए ऊपर, ये मेरी कारकर्दगी है, और वैसे भी ये पूरा नहीं हो रहा था, मतलब स्विच बोर्ड वगैरह है ना वो कवर नहीं होते थे इससे। खैर अब नया डे है, चेक करो क्या होता है, कुछ प्लान्स तो हैं, शायद मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ना आए तो मैं जाऊँगा फिर सलू साहब के घर, ब्लॉगर भाई वैसे इसका काफ़ी जिक्र होता है मेरे वीडियोस में, और ये बंदा अपनी वीडियोस में मेरा जिक्र नहीं करता, ना देख रहे हो ना सलार भैया, देख रहे हो सीख रहे हो कुछ, बड़े ब्लॉगर हो गए हैं, बड़े हमें कहाँ पूछेंगे ये लोग, बड़े बड़े भाई बड़े लोग। खैर अब आगे देखो क्या दिन कैसा दिन लगता है, तब तक के लिए हाँ जी, तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, और पहले मेरी शर्ट देखो, दाढ़ी देखो, दोबारा शो ऑफ। अच्छा ये हमारे साथ बैठे हैं डांसर हादी डॉन, यो हादी डॉन आप अपने बारे में कुछ बताएं। आई एम अ डांसर, आई एम अ सिंगर, आई एम एन एक्टर, आई एम अ एक मिनट समझ, ब्लॉगर, आई एम अ पेंटर, ब्लॉगर पेंटर आर्टिस्ट शो ऑफ, लेकिन इसने अपना कभी टैलेंट ना प्रस्यू नहीं करना, कभी इसने यूट्यूब चैनल बनाना नहीं है, मैंने इतनी बार से कहा यूट्यूब चैनल बना रहे, फैमिली प्रॉब्लम्स, घर वाले कहेंगे वो मैं आपको बता नहीं सकता, घर वाले कहेंगे इस्लाम से बाहर हैं आप, घर से निकल जाओ, तो भैया हमने तो अपना गाने रिकॉर्ड कर लिए, हादी डॉन आया है हमारे छोटे से स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने हैं, अपना गाना ढूंढ रहे हैं कि कौन सा गाना करें, ट्रैक ढूंढ रहे हैं, देखें अब क्या होता है, हाँ कंटिन्यू करना है, डाउनलोड होगा फिर, यो इसके बाद आप सुनेंगे मेरी आवाज़, हाँ जी ये जब गा रहा होगा ना तब कहेंगे शर्म को पारा करो, हाँ जी ठीक है, जब ये गा रहा होगा ना ट्रैक तो इसके कानों में चल रहा होगा, जब गा रहा होगा मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो भैया पहले कुछ भी कहने से पहले लाइट देख रहे हो, लाइट देख रहे हो स्टूडियो में, अभी सेटिंग हो रही है, ये दरअसल होना है अभी क्या कहते हैं गाने का शूट पे आया हूँ, तो अगर आपने कल रात को मेरी स्टोरी देखी है तो उसमें मैंने थोड़ा सा क्लिप डाले थे, या इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो खैर जब मेरा दोस्त आया हुआ था जैसे अभी आपने वीडियो देखी, तो उसके बाद से एक दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बिज़ी था उसी शूट में,
तो मैं सलार वगैरह के साथ था, मेरी मैंने स्टोरीज काफ़ी डाली थी, अगर कोई मेरे साथ होगा तो अगर हाँ मज़े की बात मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा, अगर मेरे मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मेरे व्लॉग्स की समझ आएगी, पर लेकिन मैं कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए वो स्टोरीज ना देख के भी, क्योंकि आई एम मतलब डायरेक्टर का कज़न हूँ तो डायरेक्टर माइंड थोड़ा सा है तो अच्छा हाँ, तो उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह किए हैं, तो कल मेरा वैसे भी रोज़ा था जिसकी वजह से मैं इतना तो कल ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, मैंने शायरी के बगैर किया था रखा था तो इतना बोल भी नहीं सक रहा था मैं, तो मैं पढ़ा रहा था बस, पबजी खेली मैंने, फिर उसके बाद अब व्लॉग कर रहा हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि ये सीन्स हैं कि अब शूट वगैरह कर रहे हैं, सीन्स बैठे हैं हमारे कैमरा सेट कर रहे हैं, तो बस अब ये शूट करके पहले मैं आप लोगों को व्लॉग अपलोड करूँगा जैसे आप लोगों से वादा किया हुआ मैंने, ये व्लॉग आ जाएगा आप लोग व्लॉग देखना, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं सॉन्ग भी अपलोड कर दूंगा, सॉन्ग ज़बरदस्त है बस पसंद करना उसे, ना भी पसंद है करना पसंद। तो हाँ अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि आगे मेरे पास इतना कोई टॉपिक है नहीं सोचने का, क्योंकि पहले पहली बात तो मैं व्लॉग ऐसे करता हूँ बिना सोचे समझे व्लॉग कर लिया और साथ साथ, क्योंकि मेरा स्टाइल व्लॉगिंग नहीं है, व्लॉग करते हुए बस रियल दिखाना है सब जो हो रहा है, जो जब होगा वो शूट रिकॉर्ड कर लेना। खैर अब मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, मैं करने लगा हूँ शूट, तो अगर हो सका तो इसके लिए दो तीन अगर ब्लूपर्स हैं मैं इसमें डाल दूँगा व्लॉग के अंदर, बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने अभी कल ही पानी को ना एप्रिल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या पूछिए कैसे? कैसे पानी को गर्म किया अच्छा और फिर नहाया ही नहीं अबे